Hello everybody, welcome back to our channel. आज का जो वीडियो है, I'm gonna talk about 8 gorgeous and latest styles by which you can reuse and refashion and actually repeat your bridal lehenga. So it happens that कि आप अपना wedding जो lehenga रहता है, एक या दो मरतबा पहनते हैं और क्योंकि वो wedding lehenga रहता है, कोई उसको भूलता नहीं है. आपको सारे आपको compliment करके होते हैं, आप कितने photographs उसमें रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई इसको नहीं भूलेगा. लेकिन अगर आपको आपने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया है और आपके साथ उसके बहुत सारे मेमोरी जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको उसके साथ पहनना है तो आप इस तरह का ब्यूटीफुल उसमें से अनारकली आप स्टिच करवा सकते हैं. बस आपको चोली और नीचे का आपको स्टिच करवाना होगा एक साथ, या फिर अगर आपका चोली बहुत हैवी है या फिर ख़राब हो गया है तो आप दूसरा फैब्रिक भी आप उसमें डालकर स्टिच कर सकते हैं इस तरह का प्लेन, तो ब्यूटीफुल आपकी नई अनारकली तैयार हो जाएगी. और ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, हार्ड नहीं जैसा लग रहा है, वैसा नहीं है. आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मॉडल्स ने इसको किया भी है और ये एक टेस्टेड एंड प्रूव्ड है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें. आप चाहे तो इस तरह का ऊपर से ओवरकोट भी सिलवा सकते हैं. नीचे आप लहंगा को अगर स्टिच ना करना चाहें तो आप टोटली डिफरेंट ऊपर से एक शेयर आप ओवरकोट सिलवा सकते हैं. सेकेंड जो हम आते हैं ये है कि अगर आपका क्रॉप टॉप चोली जो है बहुत ही हैवी है तो आप उसको आप डिज़ाइन प्लेन लहंगे के साथ उसको आप पेयर कर सकते हैं. ये बहुत ही खूबसूरत लगता है. या फिर आप आपके ब्राइडल लहंगे को एक प्लेन ब्लाउज के साथ पेयर कर सकते हैं. तो अगर आपका चोली में स्लीव्स हैं तो आप उसे स्लीव हटाकर स्लीवलेस कर लें और उसके साथ प्लेन आप सिल्क में या फिर नेट में आप उस लहंगा पहने तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा. थर्ड जो हम आ रहे हैं वो है ड्रेप इट इन यूनिक एंड डिफरेंट वे. आप हर बार एवरी टाइम यू वेयर इट आप अलग तरीके से आप अपने दुपट्टे को पेयर करें आपके लहंगे के साथ. आप गुजराती स्टाइल में प्रिंट सामने रखकर या फिर हाफ साड़ी के स्टाइल में जो कॉन्सेप्ट साड़ी रहती है आप उस तरह, या फिर एक बेड डाल सकते हैं आप इस तरीके के. ये सारे के जो मैंने इसमें इंक्लूड की है पिक्चर्स फॉर इंस्पिरेशन, आप उससे इंस्पायर होकर आप डिफरेंट तरीके से अगर आप अपना लहंगे के साथ अपना दुपट्टा ड्रेप करेंगे तो वो बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि लगेगा कि आपने रिपीट किया है. सो लेट्स नॉट टेक एवरीथिंग इन अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी. रिपीट करना बहुत अच्छी बात है, सस्टेनेबल फैशन को सपोर्ट करना चाहिए. लेकिन अगर आप इनोवेटिव होना चाहते हैं, क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं, तो आप इन सारे आइडियाज़ को आप ट्राई कर सकते हैं. और कोई बुरी बात नहीं है, आप अगर कपड़े रिपीट करें तो बहुत ही अच्छी बात है. तो या आप अपने ब्रांड लहंगे को ज़रूर रिपीट करें और इन सारे आइडिया से इंस्पायर होकर ज़रूर करें. आप चाहे तो दुपट्टे को स्वैप कर सकते हैं. आप उस आपका अगर नेट दुपट्टा है आप उसके बदले बनारसी दुपट्टा डाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह का साड़ी ट्रिप कर सकते हैं. कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट वे ये ब्राइडल लहंगा विथ अ डिज़ाइनर क्रॉप टॉप ब्लाउज. 2019 में आपने देखा कि बहुत सारे डिज़ाइनर क्रॉप टॉप के स्टाइल्स इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स बुटीक में जो रहते हैं उन्होंने सब सीख दिखाया. अगर आपको डिज़ाइनर आप सिलवाना आपको कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो आप सिंपल सा शीक वेलवेट में रिच फैब्रिक्स में यानी सिल्क में वेलवेट में आप सिलाएं और आप अपने ब्राइडल लहंगे के साथ पेयर करें. कोई भी ये बोल नहीं सकता कि आपने रिपीट किया है या फिर आपका ब्राइडल लहंगा बहुत बोरिंग लग रहा है. आपका जो वो ब्राइडल लहंगा है उसका टोटल उसमें जाना जाएगी एंड इट विल गिव अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक लुक टू योर होल एंसेंबल. कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्योंकि ये एक एज ग्रुप को ये नहीं है. अगर आपके पास ब्राइडल लहंगा नहीं भी है, अगर आपके मॉम के पास है, आपके बहन के पास है, या फिर आपकी शादी का अगर लहंगा है बनारसी में है या फिर बहुत हैवी है जरी वर्क में है, तो आप उसको एक शर्ट के साथ पेयर करें. सिल्क शर्ट जो आपके पास हैं, सिल्क ब्लाउज हैं, कोई भी थ्री फोर स्लीव्स है, डिज़ाइनर सिल्क ब्लाउज है या फिर कॉलर वाला है, आप उसके साथ एक नेक पीस सिंपल प्लेन वाले में बात कर रही हूँ मैं, शर्ट के साथ आप इस तरह का नेक पीस कुंदन वाला या फिर पर्ल्स का नेक पीस कैरी करके बहुत ही खूबसूरत है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अप्रूव्ड इन्फ्लुएंसर्स जो है फैशन इन्फ्लुएंसर्स उन्होंने इसको ट्राई किया है और ये बहुत सारे एज ग्रुप पे अच्छा लगता है. आप अगर 30s में है, 40s में, 50s में भी ये बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें. और हर लड़की के पास तो एक प्लेन ब्लाउज तो रहता ही है, तो आप अपने लहंगे के साथ कलर कोऑर्डिनेट करके वाइट तो सबके साथ चल जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो आप क्रीम्स या फिर येलोस या रेड्स में आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मोनोक्रोम लुक को जा सकते हैं विथ रेड एंड रेड. अगर आप कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे तो भी अच्छा लगेगा. आप इस तरह के अंदर टकिंग भी कर सकते हैं या बाहर पेपर की तरह खोलते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा क्योंकि आप ये शर्ट और सैसी स्टाइल दे रहे हैं, तो इट्स बेटर दैट यू टक इन द ब्लाउज इन साइड ताकि ये और खूबसूरत लुक आए. या फिर आप नॉट भी डाल सकते हैं टू गिव अ डिफरेंट हटके लुक टू इट.
तो ये हमारा था फिफ्थ पॉइंट. आप इसको ज़रूर ट्राई करें क्योंकि जो हमारा शर्ट रहता है, शर्ट का ब्लाउज फुल स्लीव रहता है तो बहुत ही खूबसूरत लुक आता है. तो देख सकते हैं सैटिन में भी बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है, मोनोक्रोम लुक, पिंक ऑन पिंक, रेड ऑन रेड, ग्रीन ऑन ग्रीन भी बहुत खूबसूरत लगेगा. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग कलर ऑन कलर, या फिर आप इस तरह का कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज को भी ट्राई कर सकते हैं. कमिंग टू द सिक्स पॉइंट, आप अपने लहंगे के साथ एक इस तरह का लॉन्ग जैकेट सिलवा सकते हैं. फैब्रिक्स में आप वेलवेट ले सकते हैं या फिर इस तरह का एम्ब्रॉयडर्ड या फिर मिरर फैब्रिक में आप जैकेट सिलवा सकते हैं. ये वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट मैंने जो पॉइंट आपको इंक्लूड किया है. कमिंग टू द सेवन पॉइंट, आप एक ब्यूटीफुल सा कुर्ता अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको इसके साथ पेयर कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट में, या फिर आप सिलवा सकते हैं बनारसी कपड़े में. ब्रोकेड आपको महंगा पड़ेगा तो आप बनारसी में सिलवा सकते हैं, सिल्क में सिलवा सकते हैं, तो वो आप ज़रूर ट्राई करें. कमिंग टू द सिक्स पॉइंट, आप अलग अलग जो आपके पास पीसेस हैं, जैसे कि इस तरह आप ब्लाउज अगर आपका चोली है तो आप साड़ी के साथ यूज़ करें, अगर आपके पास दुपट्टा है तो आप आपके दूसरे आउटफिट के साथ दुपट्टा यूज़ कर लें. आप अगर आपका जो ब्राइडल आउटफिट है उसके साथ आप दुपट्टा लहरिया भी डाल सकते हैं, तो आपका जो लुक रहेगा टोटली चेंज हो जाएगा. अलग अलग आप तरह से लहंगे के साथ शर्ट को आप पेयर कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह का प्लेन उसके साथ लहंगा सिलवा के आप बॉर्डर में आपके दुपट्टे की तरह सकते हैं, तो आपका जो ये रहेगा आउटफिट ही टोटली चेंज हो जाएगा और बदल जाएगा. तो आप इस ट्रेंड को भी ट्राई कर सकते हैं. आई डू रियली होप कि आइडियाज आपको पसंद आए होंगे. अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.